दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर लंबे रास्ते पे जाना हो और लंबे रास्ते पे जाते टाइम पे बाइक पंचर हो जाए या कोई भी व्हीकल आपका पंचर हो जाए और आसपास कोई पंचर की दुकान ना हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पर आप वीडियो का टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ स्लाइम के टायर सीलेंट के बारे में, जो कि आज मैं इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अपनी बाइक के दोनों टायरों में इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो ये एक्चुअली मेड इन USA है, इस पर क्लियर मेंशन है, ये आप देख सकते हैं। और इसकी क्वांटिटी है 473 ml या कह सकते हैं 16 oz 16 oz। तो अब इसमें जो है सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपकी बाइक में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है तो उसके लिए भी ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, उसको भी सेफ रखता है। और साथ साथ 2 साल तक काम करने की वारंटी टाइप आती है कह सकते हो इसको। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मतलब 2 साल काम करेगा ही करेगा, लेकिन ये 2 साल तक लगभग काम करता है ऐसा मतलब इनके बनाने वालों का मानना है, मैन्युफैक्चरर का मानना है। स्पेस का इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर लिखा है कैसे इंस्टॉल करना है, ये आप लोगों को नॉर्मली पता ही है कि सबसे पहले वाल्व खोल लेना है, उसके बाद जो है कोई भी अगर लगा हुआ है पंचर वगैरह कुछ है आपकी बाइक में तो उसमें से जो कील वगैरह लगी हुई है उसको निकाल देना है। और उसके बाद इसमें जो है 3 तरीके के आते हैं। ये वाला जो है येलो कलर वाला, ये है हाईवे वाला। एक आता है ब्लू कलर वाला जो कि आता है शायद ट्यूब वाले के लिए, और एक आता है रेड कलर वाला। एक ये जो है ये हाईवे व्हीकल्स के लिए है और स्पेशली ट्यूबलेस टायर के लिए है। तो ये वाला मुझे काफ़ी सही लगा और यही वाला मैंने ऑर्डर किया है। तो अगर आपकी बाइक में ट्यूबलेस टायर है तो आप भी यही वाला ऑर्डर करना। अब बात कर लेते हैं इस पे लिखे हुए कन्फ्यूजन के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मोटरसाइकिल के लिए 8 oz, स्कूटर के लिए भी सेम ही है, कार के लिए 16 और ट्रेलर के लिए 16। खैर ट्रेलर भारत में चलते नहीं है, ये जो यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है ये हर मोटरसाइकिल के लिए नहीं है। लेकिन स्कूटर और मोटरसाइकिल में सेम तो डल नहीं सकता, क्योंकि आप भी जानते हो कि स्कूटर का जो टायर है वो काफ़ी छोटा होता है कंपेयर टू मोटरसाइकिल के टायर के। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाली बात है यहाँ पर, तो आज इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक कैलकुलेटर जो कि स्लाइम की वेबसाइट पर मौजूद है, और उससे पहले हमें चाहिए होगी टायर की ओवरऑल हाइट, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक की जितनी हाइट है वो, और साथ में हमें चाहिए होगी इसकी विड्थ, मतलब ये जो चौड़ाई है ये कितनी है। तो ये चौड़ाई तो टायर के साइज में मेंशन होती है, जैसा कि इस केस में 130 है, तो ये 130 mm है, इसको इंच में कन्वर्ट कर लेंगे अभी। और उससे पहले अब हम क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए एक ईजी सी एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं जो कि सारे कैलकुलेशन आपको ऑन हैंड दे देगी। तो ये देखिए, ये मैंने गूगल पे सर्च करके टायर साइज कैलकुलेटर नाम से सर्च किया है गूगल पे, और यहाँ पे ये वेबसाइट आ चुकी है। और यहाँ पे मैं जैसे ही अपनी गाड़ी के टायर को साइज को डालता हूँ तो यहाँ पे सारे के सारे कैलकुलेशन ये गाड़ी के टायर के साइज़ के बारे में दे देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी के फ्रंट टायर का साइज़ यहाँ पे डाल रखा है 100 90 19, क्योंकि एडवेंचर 390 में यही टायर आता है आगे की तरफ, और पीछे की तरफ आता है 130 80 17, तो उसका भी अभी निकालेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं ये फिल कर देनी है जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखी है, और बस कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया डायमीटर और वेट। तो डायमीटर हो गया ओवरऑल, मतलब नीचे से लेके, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसके जो एंड टू एंड पॉइंट हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक के जो भी पॉइंट हैं पूरे के पूरे, मतलब डायमीटर बोलते हैं व्यास को, तो इसका व्यास पूरा का पूरा कैलकुलेट होके आ गया है। तो हमें एक तो ये चाहिए डायमीटर इसका, और चाहिए विड्थ जो कि इंच में चाहिए। तो ये मैं जो है आगे वाले टायर के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ पूरा का पूरा, तो ये पीछे वाले के लिए मत समझना क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइज यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे जाना है स्लाइम की वेबसाइट पे, और स्लाइम की वेबसाइट पे जाने के बाद मुझे वहाँ पे उनके मेन्यू में जाना है। देखिए ये मैंने स्लाइम की वेबसाइट यहाँ पे खोल रखी है, और यहाँ पे जाना है मेन्यू में, और मेन्यू में यहाँ पे नीचे ही है कैलकुलेटर, सॉरी ये गलत टच हो गया, तो ये कुछ और ही जगह पे खुल रहे हैं, मैं इसको एक बार बैक कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने वेबसाइट खोल ली स्लाइम की, और मुझे क्लिक करना है कैलकुलेटर पे। तो मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है स्लाइम का कि कितना मुझे चाहिए अपनी गाड़ी के टायर में डालने के लिए। तो यहाँ पे कुछ एक डिफ़ॉल्ट रीडिंग भी आ रही है कि साइकिल के लिए इतना चाहिए, मोटरसाइकिल के लिए इतना चाहिए, और डर्ट बाइक के लिए इतना चाहिए, ये यहाँ पे कुछ एक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी आ रही हैं। तो अभी मुझे अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इनका ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एक फ़ोटो भी दिया है कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है।
तो देखिए यहाँ पे दिया है इंच में मैं साइज लूंगा, और इन्होंने बोला है विड्थ चाहिए और हाइट चाहिए, तो W वाले मैं विड्थ डाल दूंगा। विड्थ मेरे साइज की आई थी 3. भाई मैं एक बार देख लेता हूँ, शायद 3.91 थी, मुझे श्योरिटी नहीं है पर एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो ये थी 3.9 तो थी विड्थ इसकी, और डायमीटर है 26.1। तो देखिए 3.9 मैंने यहाँ पे डाल दी और डायमीटर डाल दिया 26.1। अब एक और चीज डालनी है इसमें कि ये पूछ रहा है कि आपकी गाड़ी हाईवे पे चलती या नहीं चलती एट हाईवे स्पीड्स, कि आपकी गाड़ी हाईवे की स्पीड में मतलब 80 के आसपास चलती या नहीं चलती। तो इस पे करना है मुझे यस, क्योंकि मेरी गाड़ी हाईवे पे चलती है। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया, एक्चुअल जो क्वांटिटी है वो चाहिए 6.6 होज, मतलब इस बोतल में से, ये जो 16 ओज की बोतल है, मुझे इसमें से केवल 6.6 ओज ही आगे वाले टायर में डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। लेकिन अगर मैं इसको नो पे करता हूँ ना तो ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये देखना, कैलकुलेट पे क्लिक किया तो 12.2 हो गया। अब इसके पीछे कारण ये है कि नो वाले जो व्हीकल है ना वो ऑफ रोडर होते हैं, जो कि बाहर के कंट्रीज में काफ़ी मिलते हैं और भारत में नहीं मिलते। तो जैसे कि डर्ट बाइक होती है, डर्ट बाइक ऑफ रोडर होती है, वो हाईवे के पर्पज से नहीं होती और उसकी स्पीड भी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी जो है हाईवे बाइक्स की होती है। तो ये जब थोड़ा कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने यस किया दोबारा से और कैलकुलेट किया, तो एक कैलकुलेशन आ गई 6.6 होज, मतलब मुझे फ्रंट वाले टायर में 6.6 होज डालना है। और ऐसे ही मैं अब जो पीछे वाला टायर है उसके लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो पीछे वाले टायर का साइज है 130 और यहाँ पे चाहिए मुझे 80 और रेडियस है उसकी 17। तो ये देखिए अब मैं कैलकुलेट करूंगा तो अब कुछ डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो ये देखिए इसका डायमीटर पूरा चेंज हो गया है, विड्थ पूरी चेंज हो गई है, तो डायमीटर है 25.2 और विड्थ है 5.1। तो ये मैं वहां पे डालता हूँ, विड्थ मैंने डाल दी 5.1 और डायमीटर है 25.2। तो देखिए, लेकिन और वो जो है हाईवे वाला मुझे एस पे ही रखना है। तो अब मैं कैलकुलेट करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे वैल्यू आई है 8.5 वॉल्स। तो ये मुझे ओवरऑल 6.6 प्लस 8.5 मतलब 15.1 वॉल्स के लगभग मुझे चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें 0.9 वॉल्स ज़्यादा ही है, कम नहीं है, और ये एक बॉटल मेरी बाइक के लिए सफिशियंट है। तो अभी क्या करते हैं, ये मैंने सारा कैलकुलेशन आपको बता दिया कि कैसे कैलकुलेट करना है कैसे नहीं करना है, और आपको हाईवे पे यस ही रखना है, क्योंकि भारत में मोस्टली जितनी ही बाइक हैं वो हाईवे टूरिंग हाईवे पे चलने लायक होती हैं, चाहे वो स्प्लेंडर हो चाहे वो कोई भी बड़ी बाइक हो, तो सारी की सारी हाईवे पे चलने लायक ही होती हैं। तो अगर इसमें ज़्यादा क्वांटिटी डालेंगे ना तो क्या होगा कि इसमें ना वाइब्रेशन आने लगेगा, गाड़ी में एक्स्ट्रा वाइब्रेशन आ जाएगा, जो कि गाड़ी के बैलेंसिंग के लिए और गाड़ी चलाते टाइम पे क्लियर महसूस होगा। इसलिए इसमें ना ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डालनी है, केवल एक लिमिटेड क्वांटिटी डालनी है जितनी उसमें बताई गई है, उससे ज़्यादा नहीं डालनी। उससे ज़्यादा डालने पे ये जो है गाड़ी के वाइब्रेशन का एक कारण बन सकता है और ब्रेकिंग वगैरह में भी काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं। तो इस वजह से केवल उतना ही डालना है जितने की ज़रूरत है। तो बस जल्दी से अब हमें पता तो लग गया कि कितना कितना डालना है, लेकिन बॉटल पर तो कहीं इसमें आप कह सकते हो इस पर कहीं पर वो भी नहीं है, स्केल ही नहीं है कि कितना डालना है कितना नहीं डालना। तो अब आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्लू कलर के मार्क्स, ये मैंने बनाए इस बॉटल पे, ये पहले से बने नहीं आए थे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्केल लिया और सबसे पहले देखा कि बॉटल कितनी भरी हुई है। तो मैंने देखा कि बॉटल यहाँ तक भरी हुई है, लगभग इस जगह तक भरी हुई है और उससे नीचे पूरी खाली है। जब मैंने स्केल से इसको नापा तो आप देख सकते हैं कि ये जो बॉटल है थोड़ी सी इसमें किनारी भी है। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर से लेता हूँ। तो ये देखिए, जब मैंने यहाँ पे इसको मैं अगर पलट के लगाता हूँ पैमाने को तो आपको क्लियर पता लग जाएगा। तो देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से 8 नापता हूँ ना तो वो एग्जैक्ट इसी जगह पे आ रहा है लगभग, ठीक है। तो मैंने 8 ओज यहाँ पे नाप लिया। अब मैं इसको ना पूरे को डबल कर देता हूँ तो ये लगभग मेरे 16 के 16 पूरे के पूरे सेट हो चुके हैं इस पर, और ये मेरी बॉटल पर मैंने मार्किंग कर ली हर एक सेंटीमीटर पर। तो ये देखिए, ये मैंने एक एक सेंटीमीटर पे मार्किंग कर दिया पूरी बॉटल पे। इससे मुझे पता लग जाएगा कि ये जो है पूरी की पूरी
कितनी मतलब बोतल में कितना है कितना नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा सही सेट है ओवरऑल। तो ये देखिए, इस हिसाब से मैंने एक आइडिया ले लिया, रफ आइडिया ले लिया, पूरा परफेक्ट आइडिया तो नहीं है ये, लेकिन एक रफ आइडिया है कि इतने पे आके मेरा लगभग इतना और इसमें चला जाएगा। तो मैं इस हिसाब से इस बोतल को अपनी बाइक के टायरों में, इसमें जो स्टील एंड है उसको इंस्टॉल करूँगा। तो अभी बस जल्दी से इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चालू करते हैं। अब मैंने इस पर मार्किंग भी कर लिया, सब कुछ सेट है। तो अब देखो, इसके साथ जो है ना नोजल खोलने वाला टूल भी आता है। तो ये देखिए बॉटल ये यहाँ पे आ गई, और इसमें ये फ्रंट पे ही इसका जो ऊपर वाला कैप है ना, इसमें नोजल खोलने वाला टूल है, इस पर लिखा भी है टूल। तो इससे मैं जो है अपनी बाइक का जो व्हील का नोजल है उसे खोल लूँगा, और उसे खोलने के बाद फिर इसमें से एक नीचे सील भी है वो भी खोलनी होती है, तो पहले फिर वो सील खोलूँगा। तो ये देखिए ये सील लगी है यहाँ पे, इसको ओपन करना है, इसमें ये कैप एज इट इज इंस्टॉल कर देनी है, और इसी के साथ पाइप भी आता है। तो पाइप इस पे लगाना है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये पाइप लग जाएगा ऐसे करके, ये पाइप यहाँ पे लग जाएगा, और ये पाइप का एक साइड जो है मुझे अपनी बाइक के वॉल्व पे लगा देना है, टायर के वॉल्व पे, और वहाँ पे फिर मुझे ये पूरा इंस्टॉल कर देना है। अब इंस्टॉल करते टाइम पे मैं एक बार इसको निकाल के देख लूँगा इसमें कितना खल गया है कितना नहीं खला, जिससे कि मुझे एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि मैंने कितना सीलेंट अपनी बाइक के टायर में डाल दिया है। तो अब चालू करते हैं इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे पहले मुझे इसका जो वॉल्व कैप है ये खोलना पड़ेगा, ये मैंने खोल दिया है। अब मुझे चाहिए होगा टूल जो कि इसके साथ ही आता है, जो कि यहाँ पे है, ये मैंने खोल लिया, और इसकी हेल्प से मुझे इसका वॉल्व बिल्कुल खोलना है अलग। तो ये मैं खोल देता हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्गली लगा हुआ है। तो ये देखिए ये आ गया, वाल्व बाहर आ गया, और ये मैंने इसकी पूरी हवा निकाल दी है। अब क्या करना है, अब सिंपली इसमें जो पाइप साथ में आता है तो पाइप को लेना है, यहाँ से निकालना है, इसमें लगाना है कुछ इस तरीके से। अभी मैं ये पूरा लगा लेता हूँ सेटअप, तब आपको ये डालते टाइम पे दिखाऊंगा। तो ये मैंने इसमें पाइप लगा दिया इस तरीके से, और अब बस ये पाइप मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना है इधर इसमें, बस इंस्टॉलेशन चालू अभी करते हैं। दोस्तों अभी मैंने ये पूरा का पूरा जो सीलेंट है अपनी बाइक के दोनों टायरों में डाल दिया है, जैसा कि आपने देखा कि आगे वाले टायर में मैंने डालते हुए इसका पूरा वीडियो दिखाया आपको, पीछे वाले में दिखा नहीं पाया क्योंकि पीछे वाले में इसको लटकाने की कहीं जगह नहीं थी, और उसमें पूरा कैलकुलेशन देखना भी था। लेकिन यार एक समस्या हो गई डालते टाइम थे कि ये बोतल ना यहाँ से चटक गई। अब चटकी किस वजह से, वो मेरी गलती से ही चटकी है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उससे पहले चटकी भी नहीं थी। तो ये क्या हुआ कि एक्चुअली जब मैं इसको प्रेस कर रहा था बोतल को, तो ये मैंने ना यहाँ से प्रेस कर दी कुछ इस तरीके से, तो ये यहाँ से देखिए आप, यहाँ से ना ये चटक गई है, यहाँ से इसमें ना बबूले आने लग गए। पर अच्छी बात ये रही कि ये जो है जब चटकी, जब मैं इसको आगे वाले टायर में डाल रहा था, पीछे वाले टायर में डालते टाइम पे नहीं चटकी थी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि बोतल को कहाँ से दबाना है कहाँ से नहीं दबाना, इसको ना कुछ इस तरीके से दबाना होगा, सही से पीछे की तरफ से दबाना है, इसको बीच में से पकड़ के नहीं दबाना। अगर बीच में से पकड़ के दबाओगे ना तो ये चटक जाएगी और फिर समस्या बन जाएगी आपके लिए। तो ये मैंने एक गलती कर दी, पर आप ऐसी गलती ना करें, इसीलिए वीडियो में पूरा इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आपको। तो ये ओवरऑल मैंने डाल दिया अपनी बाइक में। अब मैंने इसमें हवा भी भर दी है, क्योंकि मेरे पास एक साइकिल में हवा भरने वाला पंप है, ये देखिए यहाँ पे, ये मेरी साइकिल में हवा भरने वाला पंप रखा हुआ है, और इसके माध्यम से मैंने अपनी बाइक में अभी नॉर्मल एवरेज बेस पे जितनी मतलब थोड़ी बहुत इतनी हवा भर ली है कि मैं पंचर वाले के पास जा सकूं, और वहां पे जाके इसमें ना नाइट्रोजन डलवा दूंगा। अब इसमें जो है नॉर्मल हवा नहीं डलवाऊंगा, अब इसमें पूरा वैक्यूम करा के इसमें नाइट्रोजन डलवा दूंगा, क्योंकि अब इसमें से लीक होने के चांस और पंचर वगैरह के चांस ख़त्म ही हो गए, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इन्होंने गारंटी दिया तो कुछ बेस पे दी होगी। तो दोस्तों ये था ओवरऑल कि किस तरीके से अपनी बाइक में आप जो है
ये स्लाइम का टायर सीलेंट डाल सकते हैं और ये कितना बेनिफिशियल है कितना बेनिफिशियल नहीं है ये तो मुझे आगे चलाने के बाद ही पता लगेगा। बाकी कुछ टाइम चलाने के बाद जब कोई एक्सपीरियंस ऐसा इसके साथ होगा तो मैं वो अपने यूट्यूब पे चैनल पे शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि सही में काम करता है नहीं करता। बाकी इसके MRP थे 1284 और ये मुझे पड़ा था 1100 मतलब 1100 रुपये का Amazon इंडिया पे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको सिंपली लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि ऐसी कुछ वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन है सजेशन है या कुछ भी आपके ऐसे क्वेश्चन है जिनका आप लाइव आंसर चाहते हो, आप मुझसे लाइव चैट करना चाहते हो कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड खासतौर पर जो मोटरसाइकिल से हो, तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम मैसेंजर या टेलीग्राम पे आके पिंग कर सकते हो। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।